नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के अलग से सेवा नियम बनाए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया दिन अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जो हैं उन्होंने आज विधानसभा के दौरान संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर प्रश्न का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है, जो कार्रवाई है क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए जानते हैं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री साले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में 11 जनवरी 2022 को कैबिनेट द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस हेतु समय निर्धारित करने के लिए सभी विभागों को पाबंद कर दिया और अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। श्री मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले श्री मोहम्मद ने विधायक श्री मुकेश कुमार भाकर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में शिक्षण कार्य के लिए निश्चित मानदेय पर संविदा आधारित पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और सहयोगी लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में 5656 पैरा टीचर कार्यरत हैं। उन्होंने राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा पैरा टीचर को रखे जाने का वर्ष व संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखा। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक 08 दिनांक 31 मई 2008 के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस विज्ञप्ति के संबंध में पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित मदरसा पैरा टीचर जिनको कम से कम 5 वर्ष का निरंतर अध्यापन अनुभव हो को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि कुल 571 मदरसा पैरा टीचर को प्रबोधक बनाया गया। श्री मोहम्मद ने बताया कि वर्तमान में बचे हुए मदरसा पैरा टीचर को प्रबोधक बनाने का कोई भी जो प्रस्ताव है विभाग में विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि राजकीय विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति और सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए कार्मिक विभाग जयपुर की अधिसूचना द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन मदरसों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले 20 से अधिक विद्यार्थी उपलब्ध होंगे उनकी गुणवत्ता व वित्तीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार उर्दू अध्यापक का भी पद सृजित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने दोस्तों स्पष्ट कह दिया है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको वर्तमान जो सेवा नियम है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया जा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो संविदा कर्मचारियों के अलग से सेवा नियम बनाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही इन्होंने कहा कि मदरसा पैरा टीचर्स को वर्तमान में प्रबोधक बनाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।